जिला फतेहगढ़ साहब की स्टील मंडी मंडी गोविंदगढ़ के एक ढाबे के नेड़े एक प्रवासी कर्मचारी 11,000 वाली वोल्टेज की बिजली की लाइन की मरम्मत कर रहा है कि उस दे विच करंट आने कारण उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पंजाब बिजली बोर्ड मंडी गोविंदगढ़ के बतौर लाइनमैन अवधि शर्मा बिहार का रहने वाला सी, जिसकी अज सवेरे 11,000 वोल्टेज की लाइन के करंट आने कारण हेठां डिगण के नाल मौत हो गई। मुलाजम मुगल माजरा फीडर की बिजली बंद होने दे 11,000 वाली वोल्टेज लाइन की मरम्मत करन लगे हुए सी अते मुगल माजरा फीडर सहित अन्य फीडर की बिजली सप्लाई बंद करन दे लई परमिट लिया जाना सी, परंतु उस तो पहला ही एक घटना घट गई। मंडी गोविंदगढ़ तो गुरदीप सिंह, आजाद टीवी न्यूज। सुरजीत सिंह एस डी ओ। हाँ जी, किस तरह ये मुगल माजरा फीडर फॉल्ट ही, मुगल माजरा फीडर का फॉल्ट अटेंड करना सी, उसके उपर जो एक्सीडेंट होया करे। गलती तो हम इनक्वायरी होगी, सारा जो भी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद जो दोषी होगा उससे कार्रवाई होगी। जी शर्मा अपनी छोटी सी पान की यहाँ पर बिजली वाले जब ठीक करने रिपेयर्स करने आए थे, ऊपर शायद चढ़ गया था वो, ऊपर से जब गिरा तो हम दुकान पर से भाग के आए, उसका पैर पुर मलने लगे। उसके बाद जब तक ये मलने की काम जारी रही, उसके बाद ऑटो उटो रुकाया गया, ऑटो उटो रुकाने के बाद उसको लाद के लिया गया हॉस्पिटल में। तो गिरा कैसे? गिरा ऊपर, करंट लगा, फिर नीचे गिर गया। ऊपर चला गया, वो करंट लगा, नीचे गिरा। हाँ, कितने घंटे काम लगे हुए थे यहाँ? लगभग हम तो 5-10 मिनट तक पैर उसका मलते रह गए। कितने बंदे काम कर रहे थे? बंदे दो सी, एक सरदार एक साइकिल वाला। हाँ, अज मिति 20/11/18 सानू सिविल हस्पताल मंडी गोविंदगढ़ तो तलाह मिली सी भी अवधि लाइनमैन जिहड़ा लाइन ते काम कर रहा सी कुलदीप ढाबे दे नेड़े, वो करंट लगन कारण उत्थे इलाज लई दाखल होया सी, जिहदे दौरान इलाज उहदी मौत हो गई है। उहदे वारसां ने बिहार तो आउणा, उहनां दे आउण ते पड़ताल करन उपरंत जो भी बणदी कारवाई कीती हुई अमल वी लैंदी जाऊगी। ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੈਸ਼ਟਾ ਵੀ ਗੜਕੋੜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ।